दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। बीच मैदान पर साउथ अफ्रीका टीम के विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसकी काफी ज्यादा आलोचना हो रही है, और उनकी इस हरकत पर पाकिस्तानी दिग्गजों से लेकर भारतीय पूर्व खिलाड़ी भी पूरी तरह से भड़क चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि बाबर आजम और विराट कोहली में कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में सीरीज के दूसरे वनडे मैच में भले ही साउथ अफ्रीका को जीत मिली हो, लेकिन उसके अनुभवी विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक की एक ऐसी हरकत काफी ज्यादा चर्चा में है और उसकी आलोचना हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान फेक फील्डिंग के शिकार हुए। फखर शानदार 193 रन बनाकर आउट हुए। मैच के आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 31 रन चाहिए थे। लक्ष्य लगभग असंभव था, लेकिन फखर अपनी टीम के लिए टिके हुए थे। मार्करम ने गेंद को डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा से थ्रो किया। विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक गेंद को पकड़ने के लिए स्टंप्स पर आए और उन्होंने नॉन स्ट्राइकर छोर की ओर इशारा किया। इसी समय फखर ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी रफ्तार धीमी हो गई। हालांकि गेंद स्ट्राइकर छोर पर ही थी, गेंद सीधे विकेट्स में लगी और जमान क्रीज से बाहर थे, जिसके बाद वो आउट हो गए और उन्होंने 193 रन बनाए, जबकि उनके पास मौका था कि वो 200 रन का आंकड़ा दूसरी बार पा सकते थे। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा विवाद हो गया है और पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर इस पर पूरी तरह से भड़कते हुए नजर आए। अख्तर का कहना है कि साउथ अफ्रीका की टीम ने सरेआम बीच मैदान पर बेईमानी करी है और इसका खामियाजा उसे भुगतना चाहिए। डिकॉक पर बैन लगना चाहिए जिससे भविष्य में वो ऐसी हरकत न करें किसी और टीम के साथ, क्योंकि फखर जमान अपने दोहरे शतक के बेहद नजदीक थे और उनके पास मौका था कि वो दोहरा शतक लगाकर दूसरी बार इतिहास रच दें, लेकिन डिकॉक की बेईमानी की वजह से वो अपने दोहरे शतक से चूक गए। इसके साथ ही शोएब अख्तर ने कहा कि बल्लेबाजों का ध्यान भटकाना, बहकाना अथवा उसके खेल में बाधा पैदा करना पूरी तरह से गलत है। नियम 41.5.2 के तहत एम्पायर को इस पर फैसला लेना चाहिए था और एम्पायर को ये अधिकार प्राप्त होते हैं कि यदि बीच मैदान पर कोई इस तरह की हरकत करता है तो वो डेड बॉल करार देकर बल्लेबाज के हक में 5 रन तक दे सकते हैं, जबकि ऑन फील्ड एम्पायर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद पाकिस्तानी पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर बुरी तरह से नाराज दिखे हैं। इसके साथ ही भारतीय पूर्व खिलाड़ी सौरभ गांगुली ने भी इस पर चर्चा करते हुए कहा कि ये मूल रूप से पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यदि कोई बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी कर रहा है और आप उसे इस गलत तरीके से आउट करते हैं तो वास्तव में इसे आउट करार नहीं देना चाहिए और ऑन फील्ड एम्पायर का कर्तव्य उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह से अगर किसी खिलाड़ी को आउट दिया जाता है तो उसे डेड बॉल दी जाए। हालांकि फखर जमान ने अपने रन आउट पर डिकॉक को दोष नहीं दिया, लेकिन इस सच को नकारा नहीं जा सकता कि फखर जमान डिकॉक की फेक फील्डिंग का शिकार हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज इंजमाम उल्लक भी पूरी तरह से भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर क्रिकेट के मैदान पर कोई इस तरह की हरकत करता है तो ये बहुत ही निंदनीय है और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ICC को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, जिससे वास्तव में इस तरीके की हरकत दोबारा मैदान पर ना की जाए, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज का ध्यान भटकाना या खेलने में अड़चन पैदा करना मूल रूप से गलत है। आपको ICC के नियमों का पालन करना चाहिए, मगर ऑन फील्ड एम्पायर की भी गलती है मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि डिकॉक ने गलत तरीके से फखर जमान को रन आउट करार दिया या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।